अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जनता के बीच अपनी नेगेटिव छवि बना चुके हैं। उनके बयान हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। नहीं है, पर वे जब मंदिर बन जाएगा उसके बाद जरूर जाएंगे लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। ठीक है, जाने भी चाहिए, लेकिन सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मंदिर आप जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जब आप सवाल उठाओगे तो फिर आपके ऊपर ये चस्पा लग जाएगा कि आप नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हो। हालांकि दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है, और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी, जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है प्रश्न चिन्ह और किंतु परंतु जो लगाए हैं, ये वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। लेकिन देश की जनता तो उल्लासित है, खुश है, चारों तरफ राम धुन बज रही है, लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और 22 तारीख को पूरे देश में जो दृश्य उभर के सामने आने वाला है वो सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा कि